मानसिक उपचार के लिए रिश्तेदारों ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा मिशन है और उसके लिए हम काम करते हैं। हमारे हॉस्पिटल अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद यहाँ है और यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल्स है, जहाँ एक हॉस्पिटल रिश्तेदारों के साथ में हम लोगों को भर्ती करते हैं, पेशेंट लोगों को, और उनका इलाज करते हैं। दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं और उनका उपचार करते हैं। अभी मुझे ये दिखा, काफ़ी सारे रिलेटिव्स अपने पेशेंट को हमारे पास में लाते रहते हैं। आजकल क्या हो गया कि इंटरनेट, गूगल, काफ़ी सारी जानकारी लोगों को मिल चुकी है और लोग मेरे पास में आने के पहले ही उनके दिमाग में सेट रहता है कि इलाज कैसा होना चाहिए। आज ही मेरे पास में एक पेशेंट को लाया, काफ़ी दूर से आए थे। उसको कम से कम 1 साल से मानसिक बीमारी है। वो बड़बड़ करते रहता है, वायलेंट हो जाता है, मारपीट करता है, नींद नहीं है उसको, अपनी ही चलाता है, कहीं बाहर निकल जाएगा फिर एक एक दो दिन आएगा नहीं वापस घर पे, घर में किसी को मार देगा, कभी पैसा डिमांड करेगा, अपने आप अकेले बैठे बैठे बातें करा, मतलब क्लियर कट साइकोटिक उसको बीमारी है और स्किजोफ्रेनिया है। अब उसको काफ़ी डॉक्टरों के पास में बताया गया भी है, उसको दवाई भी दी हुई है। अब जब मेरे पास में वो उसको लेके आया तो मैंने उनको बोला उसको भर्ती करो, एडमिशन करो और उसका एडमिशन करके इलाज करेंगे, क्योंकि घर में वो दवाई नहीं ले रहा है। काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास में आप गए, दवाई नहीं ले रहा है घर पे, तो मुझे यहाँ उसको भर्ती करना, तो मैं मेरे सामने उसको दवाई दूंगा सुबह शाम, वो दवाई लेता नहीं, हम इंजेक्शन देंगे। तो पहले उनका कहता, नहीं नहीं हम भर्ती नहीं करते, हम तो आपको बताने के लिए आए, हमको बस दवा लिख दो और हमको घर पर ले जाना है। अरे बोला भाई, ये काय के लाया, काय के लिए इतने दूर, आपने 500 किलोमीटर दूर से आप यहाँ आए, दवाई लिख के करेंगे क्या? दवाई तो डॉक्टर ने आपको दिया हुआ है, काम की तो है नहीं, वो लेता नहीं है। फिर बड़े मुश्किल से वो एडमिशन कर लेता यार हो गया। फिर एडमिशन करने के बाद में आप दवाई कौन सी देंगे, गोली कौन सी देंगे, अच्छा एलोपैथी देंगे क्या, आयुर्वेदिक चलती नहीं क्या, फिर एलोपैथी में कौन सी दवाई देंगे, मतलब हमारे हाथ बांध के, साइकेट्रिस्ट के, डॉक्टर के हाथ बांध के डॉक्टर कैसे का इलाज करेगा। एक्चुअली उसको जरूरत है इलेक्ट्रिक शॉक की, दवाई लेता ही नहीं, वो फेंक देता है या बाद में थूक देगा यहाँ रख के। उसको जरूरत है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है, ECT इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी की जरूरत है। जैसे ही मैंने नाम निकाला, नहीं हमको छुट्टी कर दो, हमको यहाँ रहने ही नहीं है। अरे मतलब हुआ क्या, नहीं नहीं हमको तो इलाज मिला भाई, आपके मर्जी के खिलाफ हम उसका इलाज नहीं करेंगे, हम उसको शॉक ट्रीटमेंट देंगे नहीं, आपकी इच्छा नहीं तो बिल्कुल ही देंगे नहीं, मगर मेरा बोलने का काम है कि भाई इसको ECT की जरूरत है और ECT की सेवाएं अच्छा होंगे नहीं, ऑलरेडी काफ़ी ट्रीटमेंट हो चुकी है इसकी, नहीं नहीं आप शॉक ट्रीटमेंट मत दो, हमारा पेशेंट चलेगा ऐसे रहेगा। मतलब भाई आप उसकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 साल से पेशेंट को बीमारी है, मानसिक बीमारी, 4 साल से कभी अच्छा हुआ नहीं, काम पे जाता नहीं, मारपीट करते रहता है, घर में अकेला, पूरा स्किजोफ्रेनिया है उसको, उसको घर में लिटरली लोग सड़ने देते हैं, रिलेटिव्स सड़ने देते। मेरा मतलब यह है उसका इलाज नहीं करेंगे, उसको जो जरूरत है डॉक्टर बोलते कि नहीं उसको शॉक ट्रीटमेंट जरूरत है, बोलेंगे नहीं वो तो देंगे नहीं हम। मतलब वैसा वो अभी वैसी जिंदगी, 4 साल हो गए, एक पेशेंट आया था, 4 साल हो गए आपने उसको घर पे रखा हुआ है, ट्रीटमेंट कभी देते कभी देते नहीं है, उसकी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब होगी 4 साल से, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई शॉक ट्रीटमेंट करो, ECT दो, उसका इलाज करो, तो हम नहीं इलाज करो बोले आप दवाई से इलाज करो, और वो भी 2-3 दिन हम देखेंगे, 5 साल की बीमारी 3 दिन में क्या करूँ मैं, मानेंगे नहीं लोग। मगर हमारा काम रहता है बोलने का कि नहीं इसको इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी ECT की जरूरत है, इसको ये दवाई देने की। फिर दवाई में बोला ये दवाई नहीं नहीं फिर ये मत दो, ये मत दो, इसके साइड इफेक्ट होगा क्या, नहीं हमको ज़्यादा दवाई नहीं होना, कम दवाई होना। तो मुझे रिलेटिव को ये वीडियो में यही बताने का है कि आप डॉक्टर की तरफ जाते हो तो आपका विश्वास है वही डॉक्टर की तरफ जाओ, नहीं तो जाने का ही नहीं। एक बार आपका विश्वास है ना कि वो डॉक्टर अपना पेशेंट ठीक करेगा, फिर डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा करो, जैसा बोलता है, जो भी डॉक्टर बोल रहा है कि ये इलाज करना चाहिए वैसा करो। एक बार डॉक्टर के तरफ जाने के पहले आप जो जितना करना है मर्जी वो इंक्वायरी निकाल लो, जो भी करना है करो, एक बार डॉक्टर के तरफ गए तो फिर वो डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा करने को, डॉक्टर के हाथ बांध के इलाज होगा नहीं कभी भी, डॉक्टर के बीच में जाने का नहीं, नहीं फिर कितना ECT देना, फिर ऐसा करना क्या, वैसा करना क्या, 50 उसको ना ये इंजेक्शन देने का नहीं, नहीं फिर वो फलाना इंजेक्शन क्यों दे रहे, मतलब ऐसा डॉक्टर के इसमें बीच में इंटरफेयर करके पेशेंट का इलाज होता ही नहीं है। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है सब लोगों को कि जब भी आप इलाज करते हैं तो डॉक्टर के ऊपर फेथ रखो, बिलीफ रखो, डॉक्टर जो भी बोलता है वो करो, डॉक्टर तो अच्छे के लिए करेगा नहीं, मगर वो शॉक ट्रीटमेंट से पेशेंट का खून जल जाता है। अरे भाई खून जल जाता है तो इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी गवर्नमेंट ने उसको कैसी मान्यता दी हुई है,
यदि खून जलता होगा तो कैसे क्या मान लेंगे? ये अधिकृत ट्रीटमेंट है, लीगल है। नहीं नहीं मैं आप दवाई देंगे तो दवाई की आदत लग जाएगी, तो आदत लग जाएंगी, जो होगा वो आगे चल के, अभी उसको दवाई की जरूरत है देने पड़ेंगे दवाई। नहीं फिर आप ऐसा करो, दवाई मत दो, आप सिर्फ हिप्नोटिज्म करो। अभी वो हिप्नोटिज्म करने के लिए पेशेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ हिप्नोटिज्म करने के लिए, उसने मैं जो बोलता हूँ वो सुनना चाहिए, सजेशंस लेना चाहिए, वो सुनने को तैयार नहीं, जगह बैठने को तैयार नहीं, उसको मैं हिप्नोटाइज कैसे करूँ? नहीं नहीं हमको हिप्नोटिज्म ही करने का है। उसको क्लियर कट कानों में आवाज आ रही है, एक पेशेंट आया था कानों में आवाज आ रही है, उसको पैरानॉइड डिल्यूजन से कि भाई कोई लोग मेरे पीछे है, और इसमें हिप्नोटिज्म काम नहीं करेगा, मैं उनको बोल रहा हूँ उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो अभी हिप्नोटिज्म ही करने का है, या उसको काउंसिलिंग करो, अभी दवाई तो लेनी नहीं है। इससे होता क्या है कि पेशेंट की जिंदगी खराब हो जाती है। तो मेरी सब रिक्वेस्ट है सभी रिलेटिव को कि डॉक्टरों को चुनो, एक बार चुनने के बाद में चॉइस कर लिया उसके बाद में डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो, आपका पेशेंट अच्छा हो जाएगा, जो भी डॉक्टर बोलेगा वो करो। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि रिलेटिव्स जो है, रिश्तेदार जो है, वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बीच में इंटरफेयर करेंगे नहीं। उनको मालूम होगा कि भाई हमने बीच में आने का नहीं है, डॉक्टर और पेशेंट देखेंगे क्या करना है। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।